गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विद्या। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, जो बच्चे और बड़े दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। इजी के साथ साथ ही उतना ही टेस्टी भी है। और मैंने इस टोस्ट के साथ में ऐड किया है एक मैंगो शेक ड्रिंक, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बैठता है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी और उसमें डलने वाले इन्ग्रीडियंट्स। तो पहले हम लेंगे यहाँ पे सूजी, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, पल्प इसका मैंने निकाल दिया था, एंड शिमला मिर्च, हरा धनिया और देसी घी। तो जो सूजी है ये एक कप ली है मैंने। अब इसमें मैं डालूँगी पानी। इसमें पानी में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि हमारी जो सूजी है वो ज़्यादा गीली ना हो जाए। बट इसमें मेरा पूरा एक कप पानी लग गया था। अब ये सूजी अच्छे से भीग जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाले हैं प्याज। ये दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं। और ये है टमाटर, ये एक बड़ा टमाटर लिया था मैंने। शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च पूरी कट की थी लेकिन मैंने इसमें कम डाला है, थोड़ा सा मैंने बचा दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था। और हरा धनिया, आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं साथ में। और ये डाला मैंने सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको इसमें पानी कम लगे तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि सूजी वैसे ही पानी को सोख लेती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। ये पूरा एक ही कप पानी है जो मैंने शुरू से अभी तक यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट हमें चाहिए ब्रेड। मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाइट ब्रेड ली है। तो दोस्तों, ये सूजी अच्छे से फूल गई है अभी, इसको 10-15 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसको ब्रेड पर लगाएंगे। ब्रेड के एक साइड हमको इसको लगाना है। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। या फिर आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैंने इसी से ये बना दिया। आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अब सारे के सारे इनको रेडी कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे फ्लेम पे मैंने पैन रख दिया है, इसको हल्का सा गर्म होने दिया। उसके यहाँ पे देसी घी मैंने डाला है इसमें। देन जिस साइड हमारे यहाँ पे सूजी का ये बैटर लगा हुआ है उस साइड को मैं डाल रही हूँ पहले। और इसको अच्छे से सिकने दें, ये मीडियम आंच पे होगा। और यहाँ पे मैं इस दूसरी साइड भी इसके घी लगा रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी हो जाए दूसरी साइड भी। अभी ये कुछ टाइम बाद पक गया है, आप इसको देख लें, अच्छे से पकने दें। तो ये वाला हो गया यहाँ पे रेडी, पहला टोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम ऐसे ही सारे के सारे तैयार कर लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, अब साथ में मैं यहाँ पे बना लेती हूँ मैंगो शेक। मैंने मैंगो ऑलरेडी कट करके रख दिया था और दूध और चीनी। हम ब्लेंडर में डालेंगे, शुगर डाली और इसमें मैंने डाल दिया है ये दूध। तो इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से और अब ये बन गया है मैंगो शेक। अब इसको और रिच टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें यहाँ पे डालूंगी घर की क्रीम, ये फ्रेश मिल्क की है। इसके ऊपर से थोड़े से कटे हुए मैंगोज, लुक भी अच्छा आएगा और कई लोगों को ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, टोस्ट बन गए हैं, मैंगो शेक बन गया है। तो मैं इन्हें अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ अभी सर्व यहाँ पे। बहुत ही इजी स्नैक है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। और जल्दी से झटपट बनाइए और झटपट खाइए।